हेलो। हाँ नया, बस मैं घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ फिर शॉपिंग के निकलते हैं। मैं आप ही को फोन करने वाली थी। माँ और बाबा आए हैं आपसे मिलने, काफी पूछ रहे थे आपका, कब तक आएंगे? अच्छा चलो ठीक है, उन्हें रोक के रखो, बस मैं आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चले ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। माँ, मायर बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे। बाबा चाय पिए ना, आपने नहीं पी। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें देख लिया, जी खुश हो गया। अरे छोड़ो ना चाय वाय, इधर आओ मेरे पास बैठो, कभी इधर भाग रही हो कभी उधर भाग रही हो, इधर आओ जी भर के देख तो ना, इतनी याद आती है तुम्हारी। बोलो बच्चा। मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। माँ जूनी को भी ले आती ना, उसको क्यों अकेले छोड़े? बता मुमताज, सोनी को क्यों छोड़ दिया? भाई तुम्हें सोनी का पता नहीं है, उसके तो अपने ही मजाज हैं। वो तो ये भी बोल रही थी कि ये अचार मत लेके जाना अनाया के घर, अगर लेके जाना है ना तो फूल लेके जाओ, केक लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ। वो लड़की तो बस, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे मेरी माँ के हाथ का अचार कितना पसंद है। मैंने भी उसे यही कहा कि मेरी बेटी को ससुराल में सब कुछ मिल सकता है लेकिन अपनी माँ के हाथ का अचार नहीं मिल सकता। और आपको पता है, इस अचार के बिना मेरा यहाँ पे हर खाना बदमजा होता है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी। अच्छा वाह, आप आ गई, आप ही को याद कर रहे थे, आए ना बैठे हमारे पास। क्यों, आप अपनी बेटी से मिल तो लिए, मेरा क्यों इंतजार हो रहा था? जी जी, बेटी से तो मिल लिया, लेकिन आप तो बड़ी है ना इस घर की, और हमारे खानदान में बड़ों की बहुत इज्जत की जाती है। बहुत इज्जत करवा रहे हैं ना आपके मियाँ। अनुषे के घर में बगैर बताए हुए नौकरी शुरू कर दी, हाँ, और वो पूरे शहर में ढंडोरा पीटेगी कि मेरी बहू का बाप एक मामूली सा ड्राइवर है। क्या सोचेंगे लोग, हाँ, कि इतने बड़े खानदान में बेटी भी आई है लेकिन किस्मत नहीं बदली, पैसों की जरूरत थी। अच्छा कह देते, 5-10 लाख की तो मैं भी मदद कर सकती थी। अम्मी अब आप बाबा की इंसल्ट कर रही हैं, और हाथ पिलाने से बहुत बेहतर है कि बंदा अपनी मेहनत की कमाई ही खाए। अनाया माँ, और आपको क्या लगता है कि अपने 5-10 लाख से आप मेरे बाबा की खुददारी खरीद लेंगी? माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जी घर चले। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जिस काम से तुम्हारे नाम और रुतबे में कमी आती हो मैं वो काम नहीं करूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा, इतनी सी बात है और तुम खामखा परेशान हो रही हो। शाजिया, शाजिया, ये वो कैसे आ रही है? मैडम ये अचार रखा हुआ है। फौरन उठाओ, उठाओ इससे और जाके बिन में फेंको बाहर, पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। वरना रुको, इधर ला। गाइस चले ना। नहीं ना, नहीं रुके, जोनी घर पे अकेली है, घर ले आएंगे अपनी बेटी को। मेरा बच्चा खुश, चले ना, आके खड़े आ जाए।